एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोग को ना एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम लोग के राउरकेला में ना इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। एक चाय का कप यहाँ से पी के जाओ बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बाप रे, सीरियसली? नहीं नहीं जाए। मैम, बीइंग ए लेडी, हम लोग जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर तो बहुत रहता है, तो आपने वो सब प्रेशर को कैसे डील करके, हैंडल करके आज आप यहाँ तक आई हो? परफेक्ट मोमेंट्स, एक एक्सपीरियंस जहां वक्त मानो थम सा जाता है, जब आपको बीते कल की कोई चिंता ही नहीं रहती है और आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं, बस आज के अभी के मोमेंट को अपने परिवार और फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिताना है। हमारी जिंदगी भले 100% परफेक्ट क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ परफेक्ट मोमेंट्स हर किसी के लाइफ में जरूर होता है और कुछ हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। अपनी बिजी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के, शहर की भागदौड़ से दूर, हम भी आज अपना परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करने के लिए परफेक्ट मोमेंट्स में आए हैं। आप मानो या ना मानो, पर यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। देखो इसका साइज ही देखो मैम, इसका साइज देखो। बाप रे, सीरियसली? स्टिल ओके, मैंने पकड़ लिया। नहीं नहीं जाए। हम लोगों ने ट्राई किया है कस्टमाइज्ड वॉक। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोग को ना एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम लोग के राउरकेला में ना इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ का जैसा एनवायरमेंट है, जैसा इंटीरियर है और जो फूड है ना, मस्त लगा मुझे। जितने हम लोग ने ट्राई किया है ना, वो हम लोग को तो काफ़ी पसंद आया। आप लोग भी आकर यहाँ पे एक बार ट्राई करो, देखो यहाँ का इनका कस्टमाइज्ड वॉक बॉक्स तो जरूर ट्राई करना है। एक चाय का कप यहाँ से पी के जाओ बस, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, आपको देखना कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अभी हम उनसे मिलने वाले हैं जो ये ब्यूटीफुल डाइनिंग के ऑनर है। सो मैम, वेलकम टू आवर चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपके इस ब्यूटीफुल डाइनिंग की वजह से ना हम लोग का इवनिंग बन गया सर। वी एंजॉयड अ लॉट हियर। माय प्लेजर। मेरा क्या है कि रेस्टोरेंट का नाम है परफेक्ट मोमेंट्स, दैट मींस मेकिंग योर मोमेंट्स परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वांट। आई ऑलवेज वांट कि कोई यहाँ पे आए, इट इज नॉट अबाउट दैट यू आर कमिंग टू ईट और समथिंग। आई वांट यू टू एंजॉय द मोमेंट एंड स्लीप विद अ स्माइल ऑन द फेस दैट वाज द मोमेंट आई एंजॉयड। इसके अलावा आपका और कुछ भी कुछ सर्विस आप प्रोवाइड करती हो क्या? हाँ, हम लोग परफेक्ट मोमेंट्स में ऐसा है कि हम लोग का आउटडोर केटरिंग, ओडीसी बोलते हैं उसको, इट इज बेसिकली फाइन डाइनिंग एट योर डोरस्टेप्स।
सो जैसे मैंने बोला कि मैंने सिर्फ केटरिंग या फूड इज नॉट द थिंग, इट्स इवन इवेंट, डेकोर, एवरीथिंग इज माइन, योर मोमेंट माई परफेक्शन. मैम मैं एक्चुअली एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, मुझे बहुत इच्छा हो रही है आप पहले एक होम मेकर हो, ठीक है, तो घर के काम काज के साथ में आप अपना ये जो दो बिजनेस है मतलब कैसे हैंडल कर पाती हो? अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ तो वो है मेरा फैमिली सपोर्ट, मेरा परिवार का सपोर्ट, और उसकी इच्छा के बिना ये नहीं पॉसिबल है. सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट है मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू. वो आज के दिन सब बोलते ज़रूर हैं कि शादी के बाद सासू माँ ये सब, पर लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी सासू मेरे लिए वरदान है. वो मेरी लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिनके बिना मैं सोच नहीं सकती कि मैं कुछ कर सकती हूँ. मैम बीइंग ए लेडी, जब आपने कुछ बिजनेस, हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ भी करते हैं तो सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर तो बहुत रहता है, तो आपने वो सब प्रेशर को कैसे डील करके हैंडल करके आज आप यहाँ तक आई हो, मुझे वो भी जानना है आपसे. हर औरत को कुछ नहीं तो कुछ करना चाहिए और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए. वो क्यों नहीं कर सकती है? वो क्यों ज़रूर कर सकती है, इसीलिए क्योंकि अगर वो एक वंश को आगे चला सकती है, वो अगर घर परिवार को संभाल सकती है, वो अगर अपने पेरेंट्स को छोड़ के आके दूसरे पेरेंट्स को अपना सकती है, तो वो उसके साथ काम क्यों नहीं कर सकती है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आप एक बड़ा काम करो. आज हम भी चालू किए थे, 5,000 से चालू किए थे. I started from 5,000 rupees. सबके ऊपर कॉन्फिडेंस आया सबको, एंड फिर हुआ. आप अगर अपना क्वालिटी मेंटेन करते हो और आप अगर अपने काम को वर्शिप करते हो जैसे आप अपने फैमिली को वर्शिप करते हो, आई एम श्योर कि हर लेडी में आज के दिन इतनी कैपेबिलिटी है ना नाम कमाने की कि कोई सोच नहीं सकता है. इसलिए मेरा यही मैसेज है कि हर औरत को कुछ भी करो लेकिन करो जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है. अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कुछ भी करना बहुत जरूरी. आज आप भी वॉकिंग हो, लेकिन आपको आज लोगों का इंटरव्यू या आपको उनको ब्लॉक करना आपको पसंद है. आपको, आप संडे रात को जब सोते हो आप कितने सैटिस्फाइड स्माइल ऑन द फेस से सोते हो. एग्जैक्टली, आई वॉन्ट कि हर औरत एक स्माइल के साथ सोए. थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली हम लोग तो बस खाने आए थे, बट थैंक गॉड आप आज यहाँ पे हो और हम लोग आपसे मिल पाए. बीइंग अ गर्ल, मुझे आज आपसे भी बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिला है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कभी ज़िंदगी में ना बैठूँ, मैं बस अपने पाँव में हमेशा खड़ी रहूँ और मैं तो आपको हमेशा याद रखने वाली हूँ. एक बार आके परफेक्ट मोमेंट में अपना परफेक्ट मोमेंट बिताइए. आई रिकमेंड इवनिंग टाइम में आना. यस, इवनिंग टाइम का जो वाइब है ना यहाँ पे बहुत अच्छा है. प्लीज या लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल नोटिफिकेशन प्लीज दबा देना. ओके गाइस, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए.